अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ रेडमी नोट 7 प्रो का ये ट्रांसपेरेंट बैक कवर, जिस पे ये जो कैमरा बम्प है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्रोटेक्ट हो जाता है। ये जो कंपनी से कवर दिया गया है इससे आप देख सकते हैं ये कैमरा बम्प प्रोटेक्ट नहीं होता एकदम भी। तो मैं आज एक नया कवर ऑर्डर किया हूँ फ्लिपकार्ट से, इसका प्राइस मुझको 140 रुपीज़ पड़ा। तो मैं इसको आज दिखाऊंगा ये कैसा है। तो इसका पैकेजिंग आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, KRKIS कंपनी का है। तो मैं निकल लिया इसका जो कवर है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं रेडमी नोट 7 और नोट 7 प्रो दोनों पे ही ये चेक हो जाएगा। तो ये ऐसे पैकेजिंग कैसा लगता है। ये आप देख सकते हैं साइड्स पे ये फूला हुआ है चारों कॉर्नर पे, कैमरा के पास भी ये फूला हुआ है, जो कि जब आप मोबाइल को रखेंगे तब ये फ्लोर पे टच नहीं होगा कैमरा का। आप देख सकते हैं कैसे, मैं आपको फ़ोन में कवर लगा के दिखाता हूँ। तो ये ओरिजिनल कवर मैं खोल के रख देता हूँ, और ये जो कवर लिया इसके ऊपर मैं लगा। तो आप देख सकते हैं अभी कैमरा बम बाहर निकला हुआ नहीं है, यहाँ पे जो कॉर्नर्स पे फूला हुआ है इससे ये कवर हो जाता है, और कैमरे के पास एक फूला हुआ है यहाँ पे भी, इस पे भी ये गार्ड हो जाता है। जब आप इसको रखेंगे ऐसे इसका कैमरा टच नहीं होगा, देख सकते हैं आप। अब देख सकते हैं कैमरा बम्प एकदम भी निकला हुआ नहीं है, पूरा इसके अंदर है कवर के अंदर। तो ये बहुत अच्छा कवर है और दाम भी सस्ता है और ट्रांसपेरेंट भी है पूरा। इसका जो ब्यूटी है रेडमी नोट 7 प्रो का जो कलर का ब्यूटी है ये पूरा दिखाई दे रहा है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने पर मत भूलना।